हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डी जी स्टडी पर। आपका एनिमल क्लासिफिकेशन फोर चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी का, और उसी में आगे हम आज एनिलिडा से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले फाइलम आपके हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो 11th क्लास का बायो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप वीडियो को, इससे पहले वीडियो या पहले चैप्टर जो भी हुए उन्हें देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो रेड बटन आपको दिखाई दे रहा है, उस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम एनिलिडा, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग पैरासिटिक। तो इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल जमीन पर भी रहने वाले, फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होते हैं, इनकी बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं। सिलोमेटिक एनिमल रहे, दे आर सिलोमेटिक आर एंड हैव द लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, दोनों टाइप की मसल्स पाया जाता है। देखा होगा ना फेरेटमा को चलते हुए कैचुए को, तो वैसे सुकुड़ के और लंबा होता है, दोनों टाइप की मसल्स, सुकुड़ने वाले और सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नैरिस लेटरल अपेंडिज कॉल द पैरापोडियन स्विमिंग हैव नेफ्रिडिया ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इसमें नेफ्रिडिया पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ गैंग्लिया कनेक्टेड लार्वल स्टेज, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, अर्थफॉर्म लीच हिरडोनेरिया, ये कुछ एग्जांपल है इसके, मुझे लगता है पहले हो चुका था, कोई नहीं। चलो आर्थ्रोपोडा बात करें। सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का, द वाइलेटल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेशन एक्सटर्नली एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिलोमेट, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड थोरैक्स एब्डोमिन एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटल जॉइंट अपेंडिस। बॉडी जो डिवाइड होती है तीन पार्ट्स में होती है, पहले हेड होता है, थॉरेक्स होता है, एब्डोमिनल होता है, ऊपर इसके काइटिन का बना हुआ स्केलेटन होता है। जॉइंटेड अपेंडिस, थ्री पेयर्स जॉइंटेड अपेंडिस पाए जाते हैं इसके अंदर। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, एक्सक्रीशन थ्रू द मेलपिगन ट्यूबल्स, उसमें नेफ्रिडिया में नेफ्रिडिया से होता था हमारे अभी एनिलिडा में, और इसमें किससे होता है एक्सक्रीशन, मेलपिगन ट्यूबल्स से। सेंसरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, एंटीना पाए जाते हैं, आईज, ऑर्गन ऑफ द बैलेंस, स्टेटोसिस्ट बैलेंस करता है बॉडी को, जैसे कूंते फांगते हैं तो स्टेटस में जो बैलेंस करता है बॉडी को। फर्टिलाइजेशन यूजली इंटरनल होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है डेवलपमेंट इसका, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाले, एपिस, बॉम्बैक्स, लेसीफर, एनाफिलिस, स्क्यूलेक्स, एडिस, ल्यूकास्ट, लेमस, ये सारे जितने मच्छर पाए जाते हैं सारे इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल का किंगडम का। टेरिस्टल एक्वाटिक दोनों होते हैं, बायलेटर सिमेट्री पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम ग्रेड पाया जाता है। अच्छा, ये जो वर्ड्स आते हैं इसमें, इसको मैं सबसे पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आते तो पहला लेक्चर आप जरूर देखें। बॉडी डिवाइड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प्स इज कवर्ड बाई कैल्शियम स्किन। अच्छा, हेड होता है, मस्कुलर फुट होते हैं मसल्स के बने हुए, और पूरा मास होता है एक बॉडी, बॉडी को मास के रूप में होती है, जो ऊपर कैल्शियम से बने हुए सेल से कवर्ड रहता है, जो सेगमेंट बीच में नहीं पाए जाते, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंटाइल। मेंटाइल क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ द स्किन, मेंटाइल कैविटी स्पेस बिटवीन द विसरल हम्प्स ऑन मेंटाइल। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय फीतर लाइक गिल्स और मेंटाइल कैविटी। हेड एंड सेंसरी टेंटल्स, हेड हैज सेंसरी टेंटल, टेंटल्स पाए जाते हैं हेड के ऊपर। रेडुला फ्लाई लाइक रेस्पाइंग ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग टू माउथ। ओवीपेरस होता है, डायोसिस होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, पाइला और इसका पिक्टेटा, ऑक्टोपस, सीपिया, लोबिगो, एफ्लाइसिया, डेंटलेसिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एक और देख लेते हैं, इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडी होती है इसकी, एंडोस्केलेटन कैल्शियम ऑसिकल्स का बना होता है, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, ज़्यादातर मैराइन होते हैं। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है एडल्ट में, बट बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है लार्वास्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काइनोडर्मा के लार्वा में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, एडल्ट में कौन सी, तो लार्वा में कौन सी होती है हमारी, बायलेटरल सिमेट्री लार्वा में होती है, और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोम होता है, डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट होता है माउथ से लेकर एनस तक। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है इसमें, मतलब इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्क्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है इसमें, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं, अभी तक उसमें सेक्स सेपरेट नहीं था। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, एस्केरिस, एस्टरेसिस, कोकुम्बरिया, एंटिलोम, इकाइनस, ऑपोसा, स्टारफिश, ये सारे। तो एक बार इनको सबको रिवाइज करें, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।